संस्कृत के छात्र हैं, आपने पढ़ा सुना भी होगा अपने आप आचार्य जनों से, आप्त जनों से, कि आहार निद्रा भय मैथुनम चार क्रियाएं सभी प्राणियों में होती, मनुष्य में भी, पशु पक्षियों में भी, सभी में। लेकिन मनुष्य चूंकि विवेकशील प्राणी है, चिंतन करने की क्षमता से युक्त है, इसलिए मनुष्य का शिक्षित होना परम आवश्यक है। पशु पक्षियों को जब शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है, उनको किसी न किसी माध्यम से जब शिक्षित करते हैं, तो वास्तव में वे अपने मूल स्वरूप, उनका जो मूल स्वभाव है, उसको खो करके या तो वो सर्कस के पशु बनते हैं या कुछ और। परंतु मनुष्य को यदि शिक्षित नहीं किया जाएगा तो वह पशु तो रहेगा ही, पशु से नीचे भी जा सकता। इसलिए शिक्षा मनुष्य की सर्वप्रथम आवश्यकता है, और न केवल शिक्षा, शिक्षा के साथ संस्कार भी। और मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व अनुभव होता है कि भारत भूमि, भारतवर्ष एक ऐसी धरती है जहां शिक्षा अति प्राचीन काल से, हजारों वर्षों से, युगों से शिक्षा जीवन निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण का माध्यम रही, शिक्षा संस्कार निर्माण का माध्यम रही है, संस्कृति को जीवित रखने का माध्यम शिक्षा है। हजारों साल बीत गए, देश वर्षों तक परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा भी रहा, 700-800 वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के पराधीन रहा, उनके अंतर्गत 200 वर्षों तक अंग्रेजों के पराधीनता हमने झेली, और 1947 में हमारा देश आजाद होता है। बड़ी हैरानी होती है कि 1947 में देश आजाद हुआ और पहली शिक्षा नीति 1966 में आती, यानी कि 20 वर्ष तक देश में शिक्षा नीति का अभाव था। ये तो आजादी के बाद की मैं बात कर रहा हूं। इसके थोड़ा सा पृष्ठभूमि में अगर हम जाते हैं, जिसको लेकर के शिक्षा नीति की बातें होती है कि शिक्षा नीति क्यों आवश्यक है, आखिरकार शिक्षा नीति की आवश्यकता है क्यों, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाएंगे तो भारत में साक्षरता दर कम कैसे हुई, इस विषय पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे कि प्राचीन काल में, यहां तक कि 800 वर्षों की मुगल आक्रांताओं की गुलामी के बावजूद हमारी साक्षरता दर 1835 तक लगभग 98.5% थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट कहते हैं। 1835 में जब मैकाले, लॉर्ड मैकाले, जो कि अंग्रेज सरकार का एक कानूनी सलाहकार था, वो कोई शिक्षाविद नहीं था, वो सलाहकार था, कानूनी सलाहकार, उनको कहा गया कि आप भारत के लिए शिक्षा नीति तैयार कीजिए, शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया भारत के सभी स्कूल गुरुकुलों के लिए। उस समय भारत में गुरुकुलों से शिक्षा होती थी और लाखों की संख्या में गुरुकुल थे, प्रत्येक ग्राम में गुरुकुल होता था। और उस समय भारत की जो वर्तमान उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी, उसका मूल्यांकन किया गया, उसकी रिपोर्ट बनाई गई, तो एक अंग्रेज अफसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा उस समय की 98.5% भारत में साक्षरता की दर थी, कारण कि हम लोग अपनी मातृभाषाओं में सीखते थे, अपनी मातृभाषाओं में शिक्षा दी जाती थी, पूरे देश के बीच में संस्कृत जो है, संस्कृत से फिर वो पाली प्राकृत होती, प्राकृत होते होते अपभ्रंश तक आए, लेकिन संपर्क की भाषा वह थी, परंतु शिक्षा की भाषा अपनी अपनी मातृभाषा थी। और अंग्रेजों ने क्या किया, एकदम से जो शिक्षा का माध्यम था उसको बदल दिया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको चेंज कर दिया, बदल दिया। कारण उसका परिणाम क्या हुआ, एकदम से वो 98.5% की जो साक्षरता दर थी वो घट करके 4% पे आ गई, 3% पे आ गई। आज भी अगर हम ये प्रयोग करें, अभी हम लोग, मैं देख पा रहा हूं लगभग 48 लोग इस सभा में हम लोग साथ साथ जुड़े हुए हैं, 48-49 लोग हैं, हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश भी सभी लोग समझ सकते हैं। अगर हम आपस में बातचीत का माध्यम बदल के कोई दूसरी भाषा कर दें, विदेशी भाषा कर दें, अभी जर्मन कर दें, तो साक्षरता दर अभी तो जो 100% है वो घट करके 0 पे आ गई।
या किसी भारतीय भाषा को कर दें, मराठी को कर दें, तो और घट करके फिर 1% पे आ जाएगी, 1% से भी कम आधे प्रतिशत पे आ जाएगी। आधा मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे थोड़ी थोड़ी आती है इसलिए। तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर दिया गया तो साक्षरता दर हमारी उन्हें उस समय 1835 में बहुत कम हो गई, 1-1.5-2% साक्षरता दर उस समय बची। फिर धीरे धीरे लोगों को अंग्रेज बनाने का, मानसिक रूप से अंग्रेज बनाने का, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने के प्रयास शुरू हुए, जो चलते चलते आज भारत की साक्षरता दर जो 2011 की जनगणना के अनुसार थी वो 74% है, अभी 77-78 तक पहुंची, उसको 100% तक लाना है। कारण कि शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी कर दिया, और इस माध्यम की वजह से आज भी भारत का बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाता है, क्योंकि अंग्रेजी की अनिवार्यता थी, बच्चे अंग्रेजी में फेल हो जाते, ग्रामीण जो पृष्ठभूमि से बच्चे आते थे अंग्रेजी में आगे बढ़ नहीं पाते, दसवीं में कोई अनुत्तीर्ण हुआ फेल हुआ, कोई बारहवीं में फेल हुआ, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और ड्रॉप आउट्स की संख्या बढ़ती चली गई और बच्चे शिक्षा अर्जित नहीं कर पाए, और इस बात पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। 21वीं शताब्दी आ गई, इस बात पे किसी सरकार का, किसी शिक्षाविद का ध्यान भी नहीं गया। जितनी सरकारें आई, जितनी 1947-48 से 1948-49 से हमारे यहाँ शिक्षा के बारे में चिंतन शुरू हुआ, हालांकि शिक्षा का चिंतन शाश्वत है, वो आज हम ऐसा पहली बार कर रहे हैं ऐसा नहीं है, शिक्षा का चिंतन हजारों वर्षों से होता चला आ रहा है, और जिस चिंतन, उस हजारों वर्षों के चिंतन के फलस्वरूप हमारे देश में, भारतवर्ष में जो शिक्षा की पद्धति, गुरुकुल की जो पद्धति विकसित हुई थी, गुरुकुल की पद्धति ने इस देश को 100% साक्षरता की दर दी थी। गुरुकुल की पद्धति ने इस देश को भास्कराचार्य से लेकर सुश्रुत जैसे विद्वान दिए थे, वो गुरुकुल की पद्धति से आए हुए लोग थे, जिनका नाम आज भी आचार्य सुश्रुत का, जो आप गूगल करके देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ चीजों को गूगल करिए, क्योंकि मैं जो बोलूंगा आपको तथ्यों के आधार पर कहूंगा। आप ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, ऑस्ट्रेलिया जो कि एक विकसित देश है, उसका सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसको जरा गूगल कीजिए उसके बारे में, उसके मेन गेट पे बाहर आचार्य सुश्रुत की प्रतिमा स्थापित की गई है और उनके बारे में नीचे लिखा गया है फादर ऑफ सर्जरी, बड़े गौरव की बात। लेकिन हमें जो पढ़ाया जाता रहा आजादी से लेकर आज तक, हमें पढ़ाया गया कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कोई फला यूरोपियन वैज्ञानिक है, कोई फादर ऑफ फिजिक्स है तो कोई फला व्यक्ति है। हमारे यहाँ के जो नागार्जुन थे फादर ऑफ केमिस्ट्री, वो होने चाहिए थे, रसायन शास्त्री थे, परंतु हमें पढ़ाया जाता किसी और का नाम, हमें पाइथागोरस पढ़ाया जाता, बोधायन को छोड़ दिया जाता। जो अभी उदय नारायण जी शुरू में जिस बात को रख रहे थे, तो ये शिक्षा पे चिंतन 1948-49 से शुरू हुआ, राधा कृष्णन आयोग बना, उसके बाद 1952-53 में मुदालियर आयोग बना, 1966-67 में 20 साल के बाद लगभग 1967 में जाकर के पहली जो शिक्षा नीति भारत में आई, जो कि डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी जी लाए थे, और उसमें भी नीति ना होकर के वो अनुशंसाएं थी, उसमें अनुशंसा की गई थी, रिकमेंडेशंस थी कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। और बड़े अफसोस की बात है मुझे कहते हुए, ये बड़ा दुख होता है कि आजादी के बाद से शिक्षा को राजनीति का माध्यम बना लिया गया, ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बच्चे कुछ ऐसा सीखें कि वो अपने अपने अतीत की सच्चाई को ना जान पाए, वो कैसी भावना से ग्रसित रहे, वो अपने परंपरागत इतिहास को ना पढ़ने पाए। संस्कृत भाषा को केवल पूजा पाठ और कर्मकांड की भाषा का नाम देकर के मुख्य धारा से अलग कर दिया गया, जबकि संस्कृत केवल कर्मकांड की भाषा नहीं है, संस्कृत में ज्ञान है, संस्कृत में विज्ञान है, संस्कृत में दर्शन है, जीवन है, संस्कार है, संस्कृति है, उसको छोड़ दिया गया। और सब लोग एक दौड़ शुरू हुई इस देश में कि अंग्रेजी सीखने की दौड़, क्योंकि अंग्रेजी वो नौकरी की गारंटी बन गई, जैसे मुगलों ने करने की कोशिश की थी कि उनके यहाँ अरबी फारसी सरकारी नौकरी की गारंटी थी। जब तक देश गुलाम रहा ये मानसिकता ठीक थी, परंतु आजादी के बाद ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए थी। चलिए हम उन बातों में नहीं जाएंगे। तो 34 वर्षों के बाद 1966-67 में ये दौलत सिंह कोठारी की शिक्षा नीति आई, और उसके पश्चात 1986 में प्लान ऑफ एक्शन बना, राजीव गांधी जिसे नई शिक्षा नीति कहते थे, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया 1992 में आकर के, फिर कुछ और उस पे अनुशंसाएं आई, करते करते 21वीं शताब्दी की जो पहली शिक्षा नीति है वो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में हम लोगों के सामने आई। और इस शिक्षा नीति की विशेषताओं का आप लोगों के साथ साझा करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं इस डॉक्यूमेंट को पढ़ चुका, आपसे भी मेरा सभी से अनुरोध है, खासतौर पे
विद्यार्थियों के अतिरिक्त जो आचार्य लोग जुड़े हुए हैं, गुरुजन जो जुड़े हुए हैं, आप सभी इस शिक्षा नीति का जो ये एक डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, इसको जरूर पढ़िए। बड़ा अद्भुत दस्तावेज है, 66 पेज में अंग्रेजी में है और लगभग 108-109 पेज में इसका हिंदी में अनुवाद उपलब्ध है। जो शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, उस पर ये दोनों उपलब्ध हैं। डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हैं, हार्ड कॉपी में भी आप प्रिंट लेकर के पढ़िए, उस पर थोड़ा चर्चा कीजिए, चिंतन कीजिए। आप पाएंगे कि 21वीं शताब्दी की जो पहली शिक्षा नीति हमारे देश में आई है, जिसका नाम ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहली बार शिक्षा नीति के साथ राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया गया, ये वास्तव में 21वीं शताब्दी के अनुरूप है और हमारे देश को 21वीं शताब्दी में आगे ले जाने वाली शिक्षा नीति। 34 वर्षों के बाद आई, आम जनमानस के साथ 2,00,000 से अधिक लोगों ने अपने सुझाव इस शिक्षा नीति के लिए दिए। लोगों से सुझाव एकत्रित करने के पश्चात शिक्षा नीति का निर्माण, और इस शिक्षा नीति के जो मूल में संकल्पना है वो एक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में जारी किए थे। 2017 से लेकर के 2030 के बीच में ये कुछ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, जिनमें से 100% साक्षरता, शून्य गरीबी, ये सारे उसके लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, और पर्यावरण की सुरक्षा, ऐसे 17 जो है उद्देश्य है, लक्ष्य निर्धारित किए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनको कहा संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने, उनकी प्राप्ति समय से पूर्व हो सके, वो भी एक शिक्षा नीति का मुख्य बिंदु रहा है। तो ये शिक्षा नीति जो है, ये 21वीं शताब्दी में जो हमारे पास आई पहली शिक्षा नीति, इसके और भी बहुत सारे लक्ष्य हैं। इसके एक बड़ा लक्ष्य है भी कि हम जिस दशक में अभी प्रवेश कर चुके हैं, 2020 लगभग बीतने को है, 10वां महीना आ गया है, और 2029 आते आते भारत की जनसंख्या का जो एक बहुत बड़ा प्रतिशत, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिशत भारत की जनसंख्या में होगा, जो कि युवा जनसंख्या होगी। और अभी तक की जो शिक्षा नीति थी वो कैसी शिक्षा हमको दे पा रही थी कि हमारे यहाँ से साइंस पढ़ा हुआ 12th क्लास का बच्चा 12वीं पास करता है, साइंस का बच्चा फिजिक्स पढ़ता है, फिजिक्स में वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर पढ़ता है, वो थ्योरी तो पूरी सीखता है, बहुत लोग हमारे साथ, लेकिन जब उसको घर में कहा जाए कि एक बोर्ड फिक्स करना है या इस बोर्ड को बनाना है घर में बिजली का, वो कर नहीं पाता था। उसके लिए एक 8वीं फेल आदमी को बाहर से, जो इलेक्ट्रीशियन है, जो बिजली का काम जानता है, उसको बुलाया जाता था, जबकि 12वीं पास बच्चा घर का मौजूद है लेकिन उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ये शिक्षा नीति हमारी थी, इस प्रकार से हमारी शिक्षा चलती आ रही थी। तो जो नई शिक्षा नीति है वो इन सब चीजों से हट करके एक प्रायोगिक अनुभव के आधार पे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे शिक्षा देने का काम अपने देश में होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, इसकी एक जो प्रमुख लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य एम विजन जो इस नीति का है, वो यही है कि बिल्डिंग ए ग्लोबल बेस्ट एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन इंडियन एथोस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान की एक महाशक्ति के रूप में विकसित करने के लिए और भारत में विश्व स्तर का एक बहुत बड़ा शिक्षा तंत्र स्थापित करने के लिए इस शिक्षा नीति को बनाया गया है, इसको डिजाइन किया गया, इसको डेवलप किया गया, इसका निर्माण किया। 2015 में पहली बार शिक्षा नीति की चर्चा हुई थी, तब से लेकर के लगभग 5 वर्ष तक इस पे चिंतन चलता रहा, लाखों लोगों ने अपने सुझाव दिए, तब ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने आता है। और ये बात करती है शिक्षा नीति एक्सेस की, एक्सेस माने पहुंच, शिक्षा तक सबकी पहुंच कैसे बने, एक्सेस की बात करती है, इक्विटी की, समानता की बात करती है, इक्वेलिटी की बात करती है, अफोर्डेबिलिटी की बात करती है, यानी कि सब लोग शिक्षा को प्राप्त कर सके, शिक्षा इतनी सस्ती और इतनी सहज प्राप्य हो, क्वालिटी गुणवत्ता की बात करती है, और फिर अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व की बात करती है शिक्षा नीति। तो शिक्षा नीति में जो ढांचागत परिवर्तन हुए, ढांचागत परिवर्तन जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे, पहले से 5 तक प्राइमरी कक्षा थी, फिर 6 से लेकर के 10वीं तक का एक था, और फिर 9, 11वीं और 12वीं के 2 कक्षाएं थी, और फिर बीए
तीन वर्ष की। अब ढांचा बदल दिया गया और ये केवल ढांचा नहीं बदला गया शिक्षा का कि अभी 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4 कर दिया गया, वो ऐसे ढांचा नहीं बदला है, उसमें मौलिक परिवर्तन आमूलचूल परिवर्तन किए गए, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में एक शब्द है ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग की करने की बात कल्पना की गई। ओवरहॉलिंग कैसे, भारत में जो सरकारी स्कूल हैं वहां पहली कक्षा 6 वर्ष की आयु से शुरू होती थी और पिछले 70 साल से चल रहा 6 वर्ष की आयु में बच्चा स्कूल जाएगा, लेकिन 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो क्रच थे या जो प्ले स्कूल्स थे जिनकी मशरूमिंग हो गई थी गांव गांव गली गली, वो प्राइवेट लोगों ने उसको बिजनेस बनाया हुआ था, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चे का जो विकास है, उसके जो मस्तिष्क का विकास है, बुद्धि का विकास है, उसकी तरफ किसी सरकार का कभी कोई ध्यान नहीं गया, जबकि साइंटिफिक रिसर्च और एक जो जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक अध्ययन से यह बात सिद्ध हुई है कि पूरे जो हमारा मस्तिष्क है उसकी जो पूरी क्षमता है उसका 85% मोर देन 85% वो जो ग्रोथ है जो डेवलपमेंट है उसके मस्तिष्क का वो 3 से 6 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो जो बच्चे का 85% मस्तिष्क 3 से 6 वर्ष की आयु में विकसित होता रहा है परंतु उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया, तो पहली बार इस शिक्षा नीति में वो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की शिक्षा के ऊपर बात की गई है, जिसको ECCE के अंतर्गत अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके अंतर्गत इसको रखा गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि बच्चा 3 वर्ष का विद्यालय में आएगा, वो आंगनवाड़ी में आएगा, वो बाल वाटिका में आएगा, 3 वर्ष का बच्चा आएगा, 3 वर्ष से लेकर के उसको 3 से 4 और 4 से 5 2 वर्ष तक उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, उसको संस्कार दिए जाएंगे, उसको सिखाया जाएगा, उसको खेल खेल में, उसको खेल खेल में विद्यालय के लिए तैयार किया जाएगा। इतनी सूक्ष्म स्तर पे ये शिक्षा नीति काम करने की बात करती है। फिर जब वो 5 से 6 वर्ष में प्रवेश करेगा तो एक प्रेपरेटरी क्लास होगी सभी स्कूलों में, प्रेपरेटरी क्लास, क्लास 1 से पहले, पहली कक्षा से पहले एक कक्षा होगी जिसमें उस बच्चे को स्कूल के लिए तैयार किया जाए, उसको विद्यालय में कैसे आना है क्या करना है उन सब चीजों से उस बच्चे को वो शिक्षा दी जाएगी, ताकि जब कक्षा उसको कुछ भी नहीं आता, उसको उठना बैठना चलना फिरना उसके जो सामान्य संस्कार है, बात करना बांट करके खाना, क्रोध नहीं करना, प्रेम पूर्वक कैसे रहना है, वो खेल, वो तमाम चीजें उसको नहीं आती। तो पहली बार ये भारत की शिक्षा नीति में हो रहा है कि 3 वर्ष के बच्चे को लक्ष्य करके शिक्षा नीति को डिजाइन किया, उसका स्वरूप तैयार किया गया कि 3 वर्ष से हम बच्चे को लेंगे। अगर ये ऐसा होने से दूसरा पहलू क्या है कि बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन होगा। तो ये जो 3 से 6 वर्ष तक की आयु की शिक्षा है और उस 6 वर्ष 3 से 6 के बीच में भी एक क्लास प्रेपरेटरी क्लास है, उसके लिए व्यवस्था की गई है पूरे, रोजगार का सृजन होगा। रोजगार का सृजन कैसे होगा कि वो 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए कोई एमए बीएड नेट पीएचडी की जरूरत नहीं है। अगर कोई ग्रेजुएट है साधारण स्नातक जिसने पास किया है, वो 6 महीने का कोर्स करके उसके लिए एलिजिबल बन सकता है, उसके योग्य हो सकता है। ग्रेजुएशन नहीं किया है, 12वीं तक पढ़ा है, 10वीं तक पढ़ा है, 1 वर्ष का कोर्स करके वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए वो एलिजिबल हो सकता है, योग्य बन सकता है। तो जो 10वीं 12वीं पास थे, जो आज तक जो ग्रेजुएट होता था बीए पास करने के बाद ये होता था कि बीए तो हो गए लेकिन रोजगार नहीं है, कहां जाए क्या करें, क्योंकि बीए कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं मानी जाती थी। तो एक रोजगार के रास्ते पे मातृभाषा में शिक्षण की बात होती है प्राइमरी स्तर पे, जो पहले 3 साल की मैं अभी बात करूं, मैं पहले पॉलिसी में जो दिया है वो पहले 5 वर्ष की बात है, यानी कि 3 से लेकर के 6 तक वो आंगनवाड़ी की कक्षाएं हैं, कक्षा जो 5 साल से 6 साल की उम्र में प्रेपरेटरी क्लास है, फिर 6 से 8 की उम्र में जो कक्षा एक और कक्षा दो में भी बच्चे को खेल खेल में पढ़ाया जाए, कोई उसके ऊपर परीक्षा का बोझ नहीं है, कोई माता पिता को किसी प्रकार का टेस्ट देने की जरूरत नहीं, वो कक्षा 1 और 2 में सीखेगा, उसको सिखाया जाएगा। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो पहले 5 वर्ष का इसमें पोर्शन दिया है, एजुकेशन जो पॉलिसी है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये लगभग स्कूल एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो पूरे 66 पेज के डॉक्यूमेंट में पहले 20
लगभग 32 पेज वो स्कूल एजुकेशन के ऊपर की, यानी कि स्कूल एजुकेशन को महत्व कितना दिया गया। पूरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में से 65-66 पेज में से 32 पेज अकेले स्कूल एजुकेशन पे है, बाकी जो पेजेस हैं उसमें हायर एजुकेशन और हाउ टू मेक इट हैपन है, बाकी अलग चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है उसमें, फाइनेंस का पार्ट है उसमें, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, इंडियन एजुकेशन सर्विस की बात है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मैं पहले शुरुआत से बात कर रहा था आप लोगों से कि पहले 5 वर्ष जो कि इतने महत्वपूर्ण वर्ष हैं, जिनमें से कि 3 से 6 वर्ष की जो आयु है जहां 85% मस्तिष्क का विकास होता है, उसको टारगेट किया गया, उसको लक्ष्य किया गया शिक्षा नीति के भीतर। तो पहले 5 वर्ष में फिर कक्षा 3 से 5 की बात आती है। कक्षा 3 से 5 में वहां पे परीक्षा को पहली बार बच्चों के सामने लाया जाएगा कि पेपर क्या होता है, उनको पढ़ाया जाएगा। और ऐसे नहीं पढ़ाना जैसे हम लोग पढ़ते रहे हैं या पहले पढ़ाया जाता रहा। पहले क्या होता था, रोट लर्निंग, एक रट्टे मारना। हम लोगों ने देखा, हमने अपने प्राइमरी एजुकेशन में भी देखा कि सरकारी स्कूलों में 7वें-8वें पीरियड में अंतिम कालांश में क्या रहता है कि पीछे खड़े हो जाओ और जोर जोर से चिल्ला करके 2 एकम 2, 2 दूनी 4 रट करके पहाड़े याद करवाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति याद करने की बजाय पहाड़े को बनाने पे जोर देती है कि आप पहाड़े को याद करना मत सिखाइए, पहाड़ा को बनाना सिखाइए। पहाड़ा बनता कैसे है, जब बच्चा एक बार बनाना सीख जाएगा फिर आपको उसको कहने की जरूरत नहीं कि वो सुनाए। आप उसको जो भी बोलोगे, आप उसको बोलोगे 49 का पहाड़ा सुना, वो 49 का पहाड़ा सुना देगा। वो कंसेप्चुअल लर्निंग की बात है। ये जो पेडागॉजिकल चेंजेस इस पॉलिसी में हो रहे हैं, पेडागॉजी से मेरा अभिप्राय है पढ़ाने की तकनीक से, जो मेरे शिक्षक साथी मुझे सुन पा रहे हैं वो इस पॉलिसी को जरूर पढ़ें, देखें, आप जानें। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो एक वेब पेज दिया हुआ है, आप जहां शिक्षक पर्व अभी मनाया गया है 11 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व, जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय ने संबोधित किया, एक दिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 11 सितंबर के दिन उसको संबोधित किया था, और जो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री है और शिक्षा राज्य मंत्री है और जो स्कूली शिक्षा विभाग की सेक्रेटरी अनीता कारवाल जी हैं और एनसीईआरटी के बहुत सारे प्रोफेसर, उन सबके पीपीटीज, उन सबके वक्तव्य वहां पर उस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर है, आप उनको देख सकते हैं। वहां से आपको बहुत सारी अलग अलग जानकारियां मिलेंगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। तो मैं लौटता हूं उसके ऊपर कि जो पहला हमारा प्राइमरी की बात थी, कक्षा 1 से 5 के बीच में मैं चल रहा था फिलहाल, कि वो पहले 8 साल की शिक्षा नीति है, यानी कि कक्षा 1 में आने से पहले के 3 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वो पहले के 3 वर्ष और कक्षा 1 और 2, ये पूरे मिलाकर के 5 वर्ष होते हैं। फिर कक्षा 3 से 5 की बात होती है, और फिर कक्षा 6 से 8 और फिर कक्षा 9 से 12। तो पहले जो पहली 5वीं तक की जो कक्षा पढ़ाई है वो पूरी की पूरी शिक्षा मातृभाषा में हो, ऐसा प्रावधान है। हम चूंकि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में है या पंजाबी भाषा भाषी क्षेत्र में, हमें कठिनता नहीं लगती कि मातृभाषा में शिक्षण होगा तो अच्छी बात है। मैं उन राज्यों की बात आपके सामने रखता हूं, मैं जिस राज्य में इस वक्त कार्यरत हूं मणिपुर में, यहां कुल बोली जाने वाली बोलियों की संख्या लगभग 56 है। एक बहुत छोटा सा राज्य है लेकिन यहाँ ट्राइब है, जनजातियां हैं, हर जनजाति की अपनी बोली। यहाँ राज्य स्तर पर जो सरकारी शिक्षा तंत्र है उसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो 6 भाषाएं हैं। हम लोगों के यहाँ तो 1 या 2 होती है, पंजाब में 3 होंगी, हिंदी अंग्रेजी पंजाबी, हरियाणा में 2 हिंदी अंग्रेजी, लेकिन यहाँ आप 6 भाषाएं हैं जो जिनमें की 6 की 6 भाषाएं वो जनजातीय भाषाएं, ट्राइबल लैंग्वेजेस। लेकिन शिक्षण किसमें होता था, अंग्रेजी। अंग्रेजी में शिक्षण का एक दुष्प्रभाव क्या होता है, जिस बच्चे की अंग्रेजी पे कमांड नहीं होती, जो उस पर अधिकार नहीं कर पाता, सीख नहीं पाता, वो जाने अनजाने 8वीं तक आते आते, 10वीं तक आते आते, 12वीं तक आते आते उसकी शिक्षा छूट जाती है। और ग्रामीण अंचल में ऐसा बहुत अधिक होता है, कारण कि ग्रामीण अंचल में जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, जो प्राइमरी शिक्षा है, वो उतनी मजबूत नहीं थी। ये आजादी के बाद मैं बता रहा हूँ, मजबूत ना होने की वजह से अंग्रेजी में बच्चे पिछड़ जाते हैं, और ग्रामीण अंचल के बच्चे जो है 10वीं-12वीं तक आते आते अपना ड्रॉपआउट कर जाते हैं, वो पढ़ाई उनकी छूट जाती है क्योंकि अंग्रेजी का पेपर ही क्लियर नहीं होता। पहली बार भारत में ये शिक्षा नीति आ रही है, जिस शिक्षा नीति की वजह से एक ऐसी ऐसा एक माहौल तैयार होने जा रहा है कि जिसमें बच्चा प्राइमरी से लेकर के प्राथमिक शिक्षा से लेकर के स्नातक तक की शिक्षा, यहां तक कि वो इंजीनियर और डॉक्टर मेडिकल साइंस तक की शिक्षा वो अर्जित कर पाएगा, जिसमें उसको अंग्रेजी को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी एक परिकल्पना के साथ ही शिक्षा नीति आई।
जो देश को 100% साक्षरता की ओर अग्रसर करेगी, 100% लिटरेसी कैसे आएगी। एक और इसमें बड़ी बात आगे आती है, इसमें जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में दिया FLN, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। बड़ी हैरानी होती है मैंने जब उस आंकड़े को पढ़ा कि आज भी भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे हैं जो स्कूल में तो गए हैं, स्कूल जाते भी हैं, लेकिन जो फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमेरेसी यानी कि जो मौलिक जो उसकी शिक्षा होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत गुणा भाग घटा जोड़ करना आए और थोड़ा बहुत वो लिखना पढ़ना जाने, इस थोड़े बहुत को जानने वाले बच्चों की संख्या भी उससे ना जानने वालों के बच्चों की संख्या लगभग 5 करोड़। दोष किसको दे, 5 करोड़ बच्चे स्कूल गए, और ये बहुत अधिक नुकसान तो इस सीसी, क्योंकि मैं स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूं, पिछले 11-12 वर्षों से कार्यरत हूं। तो जब 2009 में उस समय की सरकार एक शिक्षा नीति में उन्होंने परिवर्तन किया, उस समय व्यवस्था में, नीति में नहीं, नीति तो थी नहीं, परिवर्तन किया उन्होंने व्यवस्था में, वो लेकर क्या है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेल्युएशन CCE। वो CCE को का नुकसान ये हुआ कि जिसको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, गणित का सवाल ठीक नहीं कर सकता, मैथ में नंबर 0 है लेकिन वो डांस कर सकता, पास कर दो, वो थोड़ा सा गाना गा सकता, पास कर दो, उससे पिछले उस सीसी के पीरियड में 2009 से लेकर के लगभग 2016 में अमेंडमेंट किया वर्तमान सरकार ने सीसी में, उन्होंने फेल और पास करने की व्यवस्था पुनः लागू की, नहीं तो पहली सरकार में क्या था, किसी को फेल करना ही नहीं, और कारण क्या दिया गया कि फेल होने से बच्चा आत्महत्या करता है, भी आत्महत्या वो मूल्यों की अनुपस्थिति में करता है, फेल होने की वजह से नहीं करता, वो जीवन मूल्य उसके पास नहीं है, वो हार मान जाता है इसलिए करता है। तो जीवन मूल्य देने की बजाय हम शिक्षा व्यवस्था को कचरा कर दें, और उस कालखंड में जो बच्चे 10वीं पास करके गए उनकी योग्यता के स्तर को हमने देखा, क्योंकि हम शिक्षक हम पढ़ा रहे थे, हमने देखा कि वो कुछ नहीं आता लेकिन 10वीं पास कर गया, तो कैसे सुधार हो। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये उस सुधार की बात करती है, और ये शिक्षा व्यवस्था बात करती है कि गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित किया जाए। और एक बात इसमें जो फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमेरेसी में है, यहां कंसेप्चुअल लर्निंग की बात, कि कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाए बच्चे को, जो फंडामेंटल जो लिटरेसी और न्यूमेरेसी है वो आनी 100% जरूरी है, अन्यथा उसको अगली शिक्षा में नहीं, अगली कक्षा में उसको नहीं प्रमोट करेंगे, अगली कक्षा में उसको नहीं लेकर के जाएंगे, ताकि कम से कम बच्चे को सीखने का अवसर मिले प्रत्येक स्थान पर। और राइट टू एजुकेशन के जो प्रावधान है, जो शिक्षा का जो अधिकार कानून है, वो इसके अंदर जो के तो रहेंगे भी। एक और चीज जो बड़ी चीज स्कूली शिक्षा में इसमें आती है नीति में, वो है फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता। अभी तक क्या होता रहा है कि आपने 10वीं पास कर ली, आपके पास 3 स्ट्रीम है, आप साइंस ले लीजिए, आप कॉमर्स ले लीजिए, आप ह्यूमैनिटीज ले लीजिए। अब एक बच्चा है जिसको रुचि जिसकी केमिस्ट्री में भी है लेकिन उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, एक बच्चा है जिसकी रुचि गणित में तो है परंतु उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी, पेंटिंग बहुत अच्छी है, या कोई एक बच्चा है जो साइंस पढ़ना चाहता है परंतु वो फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहता, फिजिक्स कठिन लगती है, या फिजिक्स और केमिस्ट्री दो पढ़ना चाहता है, मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता। तो समस्या क्या होती थी कि जिसकी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, जिसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, परंतु मैथ्स के कारण, गणित के कारण या तो वो नॉन मेडिकल लेता नहीं था, ले लेता था तो वो फेल होता था, उसको झेलना पड़ता था बुरी तरह से, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी लोचशीलता नहीं थी व्यवस्था में। वर्तमान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो पूर्णतः लोचशीलता के साथ, गजब की लोचशीलता के साथ नीति आई है कि आप 10वीं पास करते हैं, 10वीं पास करने के बाद आपको लगता है कि नहीं मेरी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, मेरी जो है फिजिक्स अच्छी है, लेकिन मैं मैथ्स ना पढ़ करके मैं हिंदी पढ़ूंगा, मैं कंप्यूटर ना पढ़ करके मैं संस्कृत पढ़ना चाहूंगा, पूरी आजादी। सोचिए हम थोड़ी कल्पना कर सकते हैं जब इस तरह से अपनी पसंद के विषय चुनने की आजादी बच्चों को होगी, छात्रों को होगी, तो कैसे कोई फेल हो जाए, कैसे जो है साक्षरता की दर कम हो जाएगी देश की, कैसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। पहले भी वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें ठीक है, ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट है उसका ऑनर्स का, कि ठीक है आपकी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर लीजिए, फिजिक्स ऑनर्स कर लीजिए, लेकिन सीट्स कितनी है,
डीयू में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे ऑनर्स की सीटें हैं, जहां सीट्स हैं वहां एडमिशन की बड़ी स्थिति गंभीर, एडमिशन नहीं हो पाते। तो इस वर्तमान जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस लोचशीलता की वजह से, इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बच्चे अपने जीवन में जो वो बनना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, जो वो पढ़ना चाहते हैं, अपनी रुचि के अनुसार वो विषय ले सकेंगे। ये बहुत बड़ी और बहुत एक मैं मानता हूं कि एक सार्थक पहल इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने की है और एक ऐसा बहुत बड़ा अवसर छात्रों को उपलब्ध करवाया। कोई बच्चा हिम्मत उसको हारने की जरूरत नहीं है, उसका इतिहास में उसकी रुचि है लेकिन उसकी गणित में भी रुचि है, उसकी केमिस्ट्री में भी रुचि है, दोनों विषय लेके पढ़े, कोई नहीं रोके। एक ऐसी व्यवस्था और एक जो परीक्षा का लेकर के भय था, डर था, उसको कम करने के पूरे उपाय किए, क्योंकि आपको कंसेप्चुअल अब सिलेबस नहीं होगा ज्यादा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत अधिक सिलेबस की बात नहीं करती है कि आपको बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी है, बहुत सारे चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे आपको, बहुत नहीं, पढ़ना भले ही थोड़ा सिलेबस को कम करेंगे परंतु कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट्स, वो जो रोट लर्निंग है, जो रट्टे मार करके पढ़ने की प्रवृत्ति है, उसको बंद करने की बात होती है, वो कंसेप्चुअल लर्निंग की बात उसमें वो करते हैं। और इसके साथ साथ लाइफ स्किल्स की बात, कक्षा छठी के बाद से ही बच्चा स्कूल में कुछ ना कुछ सीखेगा, उसको एक स्किल सिखाई जाएगी, वो चाहे बिजली का काम सीखे, वो मिट्टी का बर्तन बनाना सीखे, या वो पेंटिंग करना सीखे, वो चित्रकारी करना सीखे, वो लकड़ी के खिलौने बनाना सीखे, या अपनी पसंद का कोई काम, कोई एक स्किल उसको सिखाए। अभी तक क्या होता रहा है कि ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन स्किल कोई नहीं हमारे पास। ग्रेजुएट को बोलो कि जरा आप ये थोड़ा सा ये सामान खराब है, इसको पंखा खराब है, थोड़ा इसकी तार जोड़ दो, उसको नहीं मालूम कि पॉजिटिव नेगेटिव लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कौन सी, उसको नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम कि घर में इन्वर्टर खराब है तो कौन सी तार कहां से जोड़ूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ग्रेजुएट है। यहां कक्षा छठी से नौवीं के बीच में कोई ना कोई लाइफ स्किल उसको सिखाई जाएगी, सॉफ्ट स्किल्स उसको सिखाई जाएंगी, कंप्यूटर स्किल्स उसको सिखाई जाएंगी, ताकि वो अपने जिस स्तर पे भी अगर कभी उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या पढ़ाई छोड़ करके वो दोबारा आता है तो उस स्किल से उसका जीवन यापन कर सके। एक और बात, पढ़ाई छूट जाती थी, आप ट्वेल्थ, आपने इलेवेंथ पास की, ट्वेल्थ में आप फेल हो गए, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, तीन साल बाद वापिस आए तो पता चला कि नहीं, अब आपको दोबारा इलेवेंथ करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है, जहां आपने पढ़ाई छोड़ी वहां से आप दोबारा शुरू कर सकते हो। आपने इलेवंथ पास करने के बाद किसी वजह से किसी के जीवन में कोई ऐसी दुख तकलीफ कष्ट आ गया, पीड़ा आ गई, उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो वो दोबारा से वहीं से शुरू कर सकता है। इसी तरह से ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में पहले क्या होता था, हायर एजुकेशन में आते जब हम बात करते हैं, ग्रेजुएशन में ये था कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, किसी ने सेकंड ईयर करने के बाद फाइनल में पढ़ाई छूट गई, तीन साल बाद वापस आए तो बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर से दोबारा शुरू करो, वो बेचारे के दो साल बर्बाद हो जाते थे। अभी ऐसा नहीं है, फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट है, सेकंड ईयर डिप्लोमा कोर्स है, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर फाइनल भी कर सकता है और फोर्थ ईयर करेगा तो एमए में एडमिशन लेगा, एमए जाकर के उसके एक साल की बचेगी। हायर एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है, विषयों के चुनाव में फ्लेक्सिबिलिटी है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है, जहां से चाहे वो एग्जिट करे, मन नहीं कर रहा है सेकंड ईयर करने के बाद, मुझे डिप्लोमा करने का मन है, कुछ और करना है, ठीक है, सेकंड ईयर से छोड़ के जाओ, वो कोर्स पूरा करके फिर आगे फाइनल में ज्वाइन। आपको टेंथ के बाद आपका मन है, मेरा मन है कि मुझे पॉलिटेक्निक करना, ठीक है जाओ पॉलिटेक्निक करो, वापस आके फिर इलेवन ज्वाइन कर लो, कोई नहीं रोकेगा। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, एक विषय पढ़ाते पढ़ाते आपको खाली वही विषय नहीं पढ़ाया जाएगा, उससे जुड़े हुए जो तमाम विषय हैं बहुशाखीय, उस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ जो है वो शिक्षण होगा। तो हायर एजुकेशन में ये बदलाव किए गए हैं और रोजगार के सृजन और इसके साथ साथ एजुकेशन शिक्षा की गुणवत्ता का ध्यान रखने का पूरा प्रयास किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव के लिए एक नई जो सेवा है, अखिल भारतीय सेवा जिसे कहेंगे इंडियन एजुकेशन सर्विसेज, उसकी शुरुआत की जाएगी। ये जितनी यूनिवर्सिटीज होती हैं, यूनिवर्सिटीज के भीतर जो रजिस्ट्रार की पोस्ट होती है, रजिस्ट्रार आमतौर पर पॉलिटिकल पोस्ट हो जाती है, जिसकी सरकार अपने आदमी को रजिस्ट्रार भर्ती करो, ये प्रथा समाप्त होने जा रही है। इंडियन एजुकेशन सर्विसेज जो ऑफिसर्स आएंगे, आप यंग बच्चे हैं, आज आप 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, अगर आप थोड़ी तैयारी करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें और आप भविष्य में इंडियन एजुकेशन सर्विस के ऑफिसर बनके किसी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बन सकते हैं। एक नई जो अखिल भारतीय सेवा का सृजन होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों और मित्रों,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक इतना बृहद विषय है कि जिस पर कई दिनों तक भी बोला जाए तो कम है, परंतु मेरे लिए समय की सीमा है और आप सबके लिए भी समय की सीमा है, हम सबके लिए समय की सीमा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम सभी पढ़ें, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ें, अपने शिक्षकों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ आप इस पे चर्चा करें, इसके एक एक पहलू को देखें। आदरणीय उदयन जी ने प्रारंभ में एक चीज बोली थी कि ये पूरी की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है ये भारत केंद्रित है, भारतीयता पर आधारित, इंडियन एथोस की बात करती हुई, तो वो भारत केंद्रित कैसे होगी और करिकुलम फ्रेमवर्क आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें नया सिलेबस मिलेगा और भारतीय जीवन मूल्य को हम आत्मसात कर सकें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमें दी जाएगी जिसमें हम अपने राष्ट्र पर गौरव का अनुभव करें। राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ्यक्रम का निर्माण होगा उसमें 40% लोकल कंटेंट, आप पंजाब में है तो आपको पंजाब का इतिहास, पंजाब की संस्कृति, पंजाब का जो पूरा का पूरा एक समृद्ध उनका इतिहास है उसका 40% उसमें शामिल किया जाएगा। आप झारखंड के हैं तो आपके झारखंड का 40% का इतिहास और 40% उनका लोकल कंटेंट, वहां के लोग, वहां की संस्कृति, वहां के जिनकी महान उपलब्धियां रही हैं, महान लोग हैं वहां, वहां के जो संगीतकार हैं, गीतकार हैं, साहित्यकार हैं, उनकी रचनाएं उसमें शामिल की जाएंगी। मातृभाषा शिक्षण एक बहुत बड़ी खूबी है ही, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बहुत बड़ा यज्ञ है, राष्ट्र निर्माण का यज्ञ है। नीति जो है इस देश को नियति इस देश का जो व्रत है, भारत का जो व्रत है, इसको विश्व गुरु बनाने का जो व्रत है कि एक बार फिर जिस प्रकार हजारों साल पहले तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा में पूरी दुनिया से विद्यार्थी पढ़ने के लिए भारत आते थे, ऐसी ही उसी कल्पना को दोबारा साकार करने के लिए, उसी उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। लागू कर सकते हैं, कल सुबह की पहली कक्षा में आप कंसेप्चुअल टीचिंग शुरू कर दीजिए, आप हटाइए रोट लर्निंग, आप बात हटाइए, आप अवधारणाओं को पढ़ाना शुरू कीजिए, रटा मरवाना बंद कीजिए, आप छोड़िए उस बातों कि वो पढ़ें, आप कल सुबह की कक्षा से आप उनको मातृभाषा में पढ़ाना शुरू कीजिए, किसी ने रोका है हम लोगों को? तो राष्ट्र निर्माण का जो बृहद बड़ा महान यज्ञ शुरू हुआ है इस देश में, हम सभी अपने स्तर पर रहते बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि जी का। अब मैं उन विद्यार्थी से निवेदन करता हूं जिनको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो वो अपना प्रश्न सामने रखें और वो अपना प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछे विद्यार्थीगण। मैं मिथिलेश कुमार, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से, तिरुपति से। मेरा प्रश्न था महोदय, नई शिक्षा नीति में
संस्कृत छात्रों के लिए प्रायोगिक दृष्टि से किस प्रकार जी, मैं आपका प्रश्न पूरी तरह सुन नहीं पाया, मुझे सिर्फ इस प्रकार तक सुनाई दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत भाषाओं के लिए, भाषा के विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक दृष्टि से किस प्रकार, मैं यहाँ तक सुन पाया, शायद कुछ तकनीकी बाधा रही है। संवेदा महोदय, प्रायोगिक दृष्टि से किस प्रकार संस्कृत छात्रों के लिए उपकारी हो सकता है? अरे मेरा तात्पर्य प्रश्न ये है, श्री कौशिक जी प्रश्न ये कर रहे हैं कि संस्कृत के जो विषय प्रयोगात्मक हैं, जैसे कि हमारी है, तो उसमें प्रैक्टिकली कार्य वास्तव में हमारा हो नहीं पाता, जीरो होता है। और योग है, जैसे ये चिकित्सा पद्धति है, ऐसे बहुत सारे विषयों पर सारे के सारे विश्वविद्यालय इवन संस्कृत के विश्वविद्यालय भी योगात्मक कार्य पर जीरो है। तो प्रश्न ये है, शिक्षा नीति में ऐसा क्या बताया गया है, क्या ऐसा कोई निर्देश है विश्वविद्यालय के साथ बांटना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, आपको सूट करना चाहूंगा। दो तीन चीजें हैं अलग अलग। पहली बात तो ये कि संस्कृत जो है, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, यहाँ संस्कृत पढ़ी जाती है और पढ़ाई जाती है। हमारे केंद्रीय विद्यालय में, सभी केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के बीच में संस्कृत है। और बच्चों को सुविधा है कि अगर वो चाहे तो कक्षा 9 और 10 तक भी संस्कृत रख सकते। तो मैं स्कूली शिक्षा की बात कर रहा हूँ। जहां तक पॉलिसी और जो हमारी शिक्षा नीति है, वो नई शिक्षा नीति एनईपी का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, वो 2005 उसकी लॉन्चिंग हुई, जब उसको लोगों के विचार विमर्श के लिए लाया गया सामने, उस समय वो एनईपी का मतलब था नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन जब ये पॉलिसी प्रत्येक विद्यार्थी को संस्कृत पीएचडी करता है, क्योंकि आपने जो विषय रखा है प्रायोगिक कार्य का, मूलतः वो विषय थोड़ा कहीं ना कहीं अनुसंधान से जुड़ा विषय है। आशीष जी ने अभी अभी संस्कृत से पीएचडी खत्म की है, तो संपूरी अपनी पूर्ण की है, तो उनको इस बारे में विशेष जानकारी है। तो जो पीएचडी करने वाला बच्चा होगा, वो अपने विषय में, उसका जो स्वयं का विषय है, उस विषय में शिक्षण पद्धति के विकास के लिए उसको एक रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा, मैंडेटरीली अनिवार्य होगा उसके लिए, कि वो जिस विषय में पीएचडी कर रहा है उस विषय के शिक्षण पद्धति के विकास में, उसके प्रायोगिक जो शिक्षण पद्धति होगी उसके विकास में क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, उसे कहूंगा। ये तो पॉलिसी में दिया है। इसके अतिरिक्त मैं व्यक्तिगत स्तर पर एक बात आप सभी से साझा करना चाहूंगा। संस्कृत हमारी भाषा, सरकारी जो प्रयास है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी, उनको केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बना दिया, या कि नॉर्थ ईस्ट में जितनी सरकारें यहाँ पर चुनी गई हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन सभी सरकारों ने यहाँ पे संस्कृत को भाषा के रूप में लागू किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं में शिक्षण की बात करती है,
और भारतीय भाषाओं में शिक्षण अगर कोई बच्चा संस्कृत में पढ़ना चाहता तो उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पहलू भी है कि 6 मई 2014 का सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस पटनायक की जो 5 जजेस की बेंच थी उसका एक निर्णय है, उस निर्णय की वजह से संस्कृत की बाध्यता को आरोपित नहीं किया जा सकता, इस वजह से पॉलिसी में वो चीज नहीं लाई जा सकी, क्योंकि उस निर्णय में ये कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार देता है और उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत यह रखा गया कि बच्चा किस भाषा में शिक्षा ग्रहण करेगा ये सरकार निर्धारित नहीं कर सकती, संस्था निर्धारित नहीं कर सकती, इस बात को निर्धारित करने का जो अधिकार है वो बच्चे के माता पिता के पास, माता पिता निर्धारित करेंगे। तो ये हमारा दायित्व तो बनता है कि हम लोगों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करें, और यदि हमारी भाषा में प्रायोगिक कार्य नहीं हो रहा है तो वो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी भाषा में प्रायोगिक कार्य की शुरुआत स्वयं से करें, हम अपने से करें, अपने साथियों को, मित्रों को जो भाषा के विद्वजन है उनको साथ जोड़ें, और उनको साथ जोड़ करके आप प्रायोगिक कार्य की शुरुआत करें। मैं उदाहरण के लिए अपने यहाँ पे बता रहा हूँ, हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, मेरा विषय हिंदी है मूलतः, तो हिंदी को लेकर के नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि बच्चे यहाँ की हिंदी कम जानते तो हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड बनाने शुरू किए, हमने कंपटीशन शुरू किया, 40 शिक्षकों की एक टीम बनाई और 40 शिक्षकों की टीम के साथ हमने ये तय किया कि छोटे छोटे जो वाक्य हैं, छोटी छोटी जो जिसे हम कहते हैं पद हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, जो पद हैं जिनके पीछे बड़ा संदर्भ रहता है या जिन पदों के पीछे कोई ना कोई कहानी रहती है, जैसे आपके मुहावरे हैं या लोकोक्तियां हैं, अलग अलग चीजें हैं बहुत सारी, तो उनपे हम फ्लैश कार्ड बनाए ताकि वो फ्लैश कार्ड जिसको रीडिंग का टाइम हाफ मिनट, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट तक है मैक्सिमम, उसको हम सोशल मीडिया पे सभी बच्चों के साथ शेयर करेंगे ताकि बच्चे कठिन जो परिभाषिक शब्द है उनको 1 मिनट की रीडिंग में तुरंत समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये होता है। तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को लाभ मिलेगा, हमें लाभ क्या मिलेगा कि हमारी मातृभाषा का, हमारी भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार होगा पूरे नॉर्थ ईस्ट में, बच्चों की हिंदी सुधरेगी, हम उसको सुधारने पे काम कर रहे हैं। तो हम अपने स्तर पे भी ऐसा कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं। सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं, सरकार संस्कृत को लागू करने जा रही है, त्रिभाषा फार्मूला है उसके अंतर्गत संपूर्ण केंद्रीय विद्यालय 1250 केंद्रीय विद्यालय है जिनमें हिंदी अंग्रेजी के साथ संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है कक्षा 6 से 8 तक। और आपको जानकर के हैरानी होगी, हमारे यहाँ सुबह की प्रार्थना वैदिक मंत्रों से शुरू होती है और प्रार्थना का अंत भी वैदिक मंत्र से ही समाप्त, ऐसा केंद्रीय विद्यालय में सरकारी संस्था में हो रहा, तो ऐसा कर सकते जी। हाँ, और कोई विद्यार्थी है? हाँ, एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया है कमेंट बॉक्स में, डॉक्यूमेंट इसके कहाँ मिलेंगे, एड्रेस कहाँ मिलेगी इस पॉलिसी? हाँ, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट मैं, मेरे पास है, मैं व्हाट्सएप पे आशीष जी के साथ शेयर कर देता हूँ, आप वो आपको आगे शेयर करेंगे एक बात। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो वेबसाइट है भारत सरकार की MOE की, उस पे हिंदी में अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में सॉफ्ट कॉपी में, और इससे जुड़ी हुई तमाम PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि NCERT के प्रोफेसर ने बनाई है या मैडम अनीता कारवार जो सेक्रेटरी है स्कूल एजुकेशन की उनकी है, या बड़े बड़े जो विद्वान है उनकी सबकी PPTs उपलब्ध है, आप एजुकेशन की वेबसाइट पे जाएं। कोई बात कर रहे हैं महोदय जी, हमारे पास कैसे आएगा? मिल जाएगा, कोई बात मिल जाएगा, आप वेबसाइट पे जाओगे डाउनलोड कर लो ना वहां से, आपको मोबाइल पे मिलेगा। और मैं अपनी तरफ से मैं शेयर कर रहा हूँ आशीष जी के साथ, मेरे पास जो डेटा है वो मैं आशीष जी के साथ शेयर कर रहा हूँ। जिज्ञासा है थोड़ी सी, हम लोग, मैं लगातार इसको पढ़ रहा हूँ मैं, और बहुत कुछ समझा भी मिलेगी, प्रश्न लगातार पैदा हो रहे हैं। एक उसमें ये कहा गया है कि संस्कृत को पृथक विषय के रूप में नहीं पढ़ाया गया, इसका तात्पर्य क्या है मुझे समझ नहीं आया। दूसरा ये था कि अंग्रेजी की अनिवार्यता बंद कर दी है, अच्छा कर दिया, अंग्रेजी की अनिवार्य नहीं रहेगी अंग्रेजी विषय, ठीक है, परंतु कौशिक जी प्रश्न ये पैदा हो रहा है कि जिस प्रकार से वर्तमान में स्कूलों का स्वरूप है, पूरे भारत का स्वरूप है अंग्रेजीमय वातावरण, तो अगर हम ये नियम क्या प्राइवेट स्कूलों में भी रहेगा कि वहां भी अनिवार्यता बंद कर दी जाएगी, क्या केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को रहेगी अनिवार्यता,
अगर केवल सरकारी स्कूलों में रहेगी अनिवार्यता तो भाई सारे बच्चे या लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी तो अनिवार्य विषय बन रहा है, तो मुझे बच्चों से अंग्रेजी पढ़ानी है, तो कहना कि प्राइवेट स्कूल है उनको बढ़ावा मिलेगा या वो भी यथावत नियमों का पालन करेंगे। एक अंतिम प्रश्न यही है, समय भी काफी हो रहा है, कि संस्कृत विश्वविद्यालयों में अन्य विषयों को भी पढ़ाया जाएगा, जैसे मनोविज्ञान है, एमए इंग्लिश है और ड्रामा है, उसमें फिजिक्स है। तो मेरा प्रश्न है कि अगर संस्कृत विश्वविद्यालयों में फिजिक्स पढ़ाई जाएगी या मनोविज्ञान पढ़ाया जाएगा तो कौन सा मनोविज्ञान होगा? अगर वो मनोविज्ञान संस्कृत का है तो उसकी बाहर क्या उपयोगिता होगी? अगर संस्कृत का मनोविज्ञान नहीं है, बाहर का है, तो उसका संस्कृत के साथ क्या संबंध रहेगा? ऐसे अनेकों प्रश्न आ रहे हैं। सरकार के पास की योजना होगी ऐसी बात नहीं है, हम लोग अभी उस स्तर पर नहीं चर्चा कर पा रहे हैं, पर मेरा ये प्रश्न है कि अगर मनोविज्ञान हम पढ़ाते कालिदास का या पढ़ाते वेदों का तो ठीक है, फिर मनोविज्ञान बाहर किस रूप में काम आएगा विद्यार्थी की, एक ये प्रश्न पैदा होता है। और एक अंतिम बात यह है कि जैसे एम्स है, IITs बनाए हैं, वहां पर इन्होंने सारे विषयों को ओपन कर दिया है, म्यूजिक पढ़ सकता है, वो नाट्य शास्त्र पढ़ सकता है, हिंदी पढ़ सकता है। मेरा विषय यह है कि जहां तक मेरा अपना चिंतन था, अगर जिसने म्यूजिक पढ़ना ही है तो म्यूजिक जरूर इतना IIT के साथ पढ़े, म्यूजिक पढ़ ले, उसको थोड़ा शांति रहनी है, तनाव से मुक्त रहना है, म्यूजिक करे अभ्यास, कोई बात नहीं, पर म्यूजिक को एज ए विशेष रूप में IIT में पढ़ाया जाए, एम्स में पढ़ाया जाए, ये मेरे हिसाब से मुझे तो उचित नहीं लगता है, क्योंकि एम्स तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित पंडितों को तैयार करता है, चाहे IITs बड़ा है, बड़े बड़े इंजीनियर हमारे IIT दिए हैं, तो वहां पर भी अगर इस प्रकार का सब कुछ वहां शुरू कर देंगे तो विषय के जो विशेषज्ञ है या रिसोर्स पर्सन है, फिर वो प्रेम कहाँ से निकालेंगे? एक प्रश्न मेरा है, बाकी सरकारी योजनाओं का क्या चिंतन है वो सरकार समझती है, और ये धीरे धीरे शुरू होगी लागू होना, तो उसका अपना स्वरूप निकल के आएगा, ये विद्यार्थीगण भी इस पे अपने प्रश्नों इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढे, या क्या चिंतन हो सकता है वो भी देखे। जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, विदेशी भाषाओं को भी इसमें पढ़ाया जाएगा, ये भी एक बात निकल के आई है, तो देखते हैं कितना प्रैक्टिकल स्वरूप में हम इसमें सहयोग कर सकते हैं और सहयोग करना चाहिए। आयल बात जो आपकी मुझे सबसे अच्छी बात लेकर कौशिक जी की, जो उन्होंने बात कही, अब ये प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल कार्य हो या ना हो अलग विषय पर हमने प्रयास करना है, परंतु एक बात और ध्यान देंगे, अगर मैं प्रयास करता हूँ तो उसका एक अपना अलग स्तर का स्वरूप होगा, परंतु अगर वही प्रयोगात्मक कार्य विश्वविद्यालय के द्वारा प्रमाणित होता है तो उसकी एक अलग महत्ता हो जाती है। तो मेरा कहना कि मतलब आशय ये भी है कि संस्कृत विश्वविद्यालय प्रयोगात्मक कार्य को एक प्रमाणिकता के साथ समाज के बीच में रखें कि ये विश्वविद्यालय ने प्रयोगात्मक कार्य किया है, चाहे वो ये जो चिकित्सा है, चाहे वो योग है, चाहे वो वेदों का विज्ञान है, चाहे वो कालिदास का पर्यावरण है, इस प्रकार के विषयों पर संस्कृत विश्वविद्यालय जब बात कहता है तो उसकी प्रमाणिकता अधिक हो जाती है। अस्तु है, अब आप हमारे समय काफी हो रहा है तो इसमें आप अंतिम में थोड़ी टिप्पणी कर दें, आप उसके पश्चात में जो अगला कार्यक्रम है वो हमारे मन से चलन करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके एक ही प्रश्न में अनेक प्रश्न जो है छुपे हुए हैं, लेकिन मैं आपके मौलिक जो आपका पहला प्रश्न था वो था अनिवार्यता को लेकर। किसी विषय की अनिवार्यता को हटाए जाने से अभिप्राय ये नहीं होता कि उस विषय का निषेध किया गया है। अंग्रेजी की अनिवार्यता को यदि समाप्त किया जाएगा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अंग्रेजी का निषेध है, बच्चे अंग्रेजी पढ़े, माता पिता अंग्रेजी पढ़ाए, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन हाँ उन बच्चों का भला जरूर होगा जो अंग्रेजी की वजह से या तो फेल हो जाते थे, या अंग्रेजी की वजह से जो आगे नहीं बढ़ पाते थे, या जो अंग्रेजी की वजह से अपनी शिक्षा को अधूरा छोड़ देते थे, उनका भला होगा, जो कुछ प्रतिशत बच्चे हैं उनको ध्यान में रखा गया है। यहाँ पर अनिवार्यता समाप्त करने का कभी अभिप्राय नहीं होता कि उस विषय का निषेध कर देगा। राजस्थान में हिंदी की अनिवार्यता समाप्त है, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, मेरे स्टाफ में एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया, वो उसकी ग्रेजुएशन विदाउट हिंदी है, अनिवार्यता नहीं है विषय की। जी दूसरी बात बड़ा अच्छा दिया आपने,
का बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने आनंद आ गया कि अनिवार्यता अगर ये नहीं होता है उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, जो संस्कृत को विषय के रूप में ना पढ़ाया जाना, इसको अगर सकारात्मक रूप में लें हम, संस्कृत विषय के रूप में वही पढ़ेगा जिसकी रुचि है संस्कृत में, जो संस्कृत में आगे जाना चाहता है, वो रुचि उत्पन्न करना संस्कृत के विषय अध्यापक की भी जिम्मेदारी है। लेकिन संस्कृत को सभी को पढ़ाया जाना, सोचिए जिसकी रुचि नहीं है, जो संस्कृत में आगे नहीं बढ़ना चाहता परंतु वो भी संस्कृत को पढ़े, उससे उसका संस्कृत से जुड़ाव बढ़ेगा, संस्कृत के माध्यम से वो संस्कारों से जुड़ेगा, भारतीयता से जुड़ेगा, भारतीय संस्कृत से जुड़ेगा। और अगर उसको संस्कृत पढ़नी आ गई तो जीवन में किसी स्तर पे आकर के उसके अगर रुचि है तो वो संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन भी करेगा। केवल विषय के रूप में अगर संस्कृत को रखा जाता है तो बहुत कम लोग पढ़ेंगे, बिना विषय अगर उसको पढ़ाया जाएगा तो उसका प्रचार प्रसार होगा, उसको अधिक लोग पढ़ेंगे। तीसरी बात जो थी विश्वविद्यालयों में प्रायोगिक कार्य की और उसको लाने की, विश्वविद्यालयों में बहुत सारा प्रायोगिक कार्य है। मैं आशीष जी से निवेदन करूंगा कि जरा वो बीएचयू के खंगाले बीएचयू को या फिर वो जो शोध गंगा है वहां पर जाएं और संस्कृत के ऊपर जितने बड़े शोध कार्य हुए हैं उनको निकाल करके लाएं और उनका जो अमृत है उसको जरा छात्रों के सामने और समाज के सामने लाएं। ऐसा नहीं है कि शोध कार्य दास के पर्यावरण पर भी शोध कार्य हो चुका है, वेदों के विज्ञान पर भी शोध कार्य हो चुका है और वर्तमान में भी बहुत सारी संस्कृत करके कार्यरत है, बहुत सारे विद्वान लोग हैं। एक आईपीएस रिटायर्ड हैं श्री अरुण उपाध्याय जी, वो डिग्री रिटायर हैं, उड़ीसा काडर के हैं और वो संस्कृत के इतने मर्मज्ञ विद्वान हैं, वेद शिक्षा के इतने मर्मज्ञ विद्वान हैं। कभी आप उनके, अभी कुछ दिन पहले मैंने उनका एक वेबिनार सुना था, आप उनको कभी अगर कोई अवसर मिलता है इन्वाइट करने का, ऐसे लोगों को इन्वाइट कीजिए जो कि है तो किसी अलग फील्ड से संस्कृत में अपनी रुचि के कारण वो कहां तक पहुंचे और उनका उनका ज्ञान इतना अधिक है संस्कृत, तो संस्कृत में खूब सारा रिसर्च वर्क है, हमें उसको सामने लाना है। आजकल ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है, शोध गंगा पे पूरी की पूरी थीसिस उपलब्ध है, यहां तक कि लाइब्रेरी भरी पड़ी है अगर हम ढूंढ के लाएं तो। वो थोड़ा सा हमें श्रम करना है, हम उसको ढूंढ करके अपने छात्रों तक स्वयं तक उसको पहुंचाएं, उसका प्रचार प्रसार करें, यहां तक कि वेद भी उपलब्ध है। तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आपने समय मुझे संकेत कर दिया है तो इससे अधिक मैं नहीं कहूंगा। नहीं नहीं, आनंद है, बहुत चर्चा संवाद होना चाहिए, संवाद है ये। नहीं नहीं, आपने जो सुझाव दिए बड़ी बात कही है, परंतु देखो मैं ये अपने मैं ये स्वयं ये अनुभव करता हूँ कि सारी बात को हम तो मंच के माध्यम से बोल देते हैं परंतु उनका कई बार प्रयोगात्मक ना होता है, हमारा ना श्रोताओं का होता है ना वक्ताओं का होता है, ऐसे बहुत सारे। अभी आप देखिए थेरेपी, विदेशों ने उस पर रिसर्च किया, हम लोग फेल हो गए। वो थेरेपी क्या थी कि वेद मंत्रों के बोलने से जो कई बार जिसमें तोतलापन होता है, जिनकी भाषा में अस्पष्टता होती है, उन लोगों की स्पष्टता को वेद मंत्रों के श्रवण और मनन से बोलने के अभ्यास रिसर्च प्रॉपर किया गया विदेश में। और वो क्या उसको क्या वो थेरेपी बोलते हैं, थेरेपी का नाम दिया गया कि वो थेरेपी विकसित वहां पर की गई वेद मंत्रों के माध्यम से। अब वो चीज हम लोग नहीं कर पाए तो एक अपना स्तर भी चिंतन का एक स्तर करना पड़ेगा। और खैर एनीवे सरकार के साथ हम लोग हैं, विद्या भारती है, संस्कृत भारती है, ये सारे संगठन समाज के संगठन लगे हुए इस कार्य के लिए। और निश्चित ही ये शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश के भविष्य के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगी। स्किल्स डेवलपमेंट की बात कही गई है वो भी इसके अंदर। एक बात और रखना चाहूंगा 30 सेकंड में आपके सामने, सभी बच्चों के सामने भी, जो अंग्रेजी की अनिवार्यता और अंग्रेजी की उपयोगिता को लेकर के जो लोग बात करते हैं, मैं सिर्फ 30 सेकंड में एक बात कहूंगा चलते चलते, और वो फैक्चुअल बात है, तथ्यों पर आधारित है। पूरी दुनिया के टॉप जीडीपी जिसकी हम बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं आजकल बहुत सारे, तो जो टॉप 20 कंट्रीज है विकसित देश उनको उठा लीजिए, उनमें से किसी एक की भी भाषा, किसी एक की भी शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है जहां पे मातृभाषा में शिक्षा ना दी जाती है। आप रशिया, आप फ्रांस को लीजिए, आप जर्मनी को लीजिए, आप जापान को लीजिए, आप
हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की मातृभाषा अंग्रेजी है, अंग्रेजी में शिक्षण है, वहां पे चाइनीज में शिक्षण नहीं है। और जो टॉप जो बॉटम के 20 देश हैं, जो सबसे नीचे गरीब दबे कुचले जो सबसे पिछड़े देश है दुनिया के, उनको उठा लीजिए, इथोपिया को ले लीजिए, सोमालिया को ले लीजिए आप, और जो जितने ये अफ्रीकन कंट्रीज है इनको ले लीजिए, जो बॉटम के 20 देश हैं, जो सबसे नीचे के 20 देश हैं, उनकी सबकी शिक्षा की व्यवस्था की भाषा अंग्रेजी। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। गरुड़ प्रकाशन से पुस्तक प्रकाशित हुई है, वैश्विक भाषाओं पे गरुड़ प्रकाशन से सुकरांत सानू जी ने पुस्तक प्रकाशित किया। उस पुस्तक को आपको कभी अवसर मिले तो पढ़िएगा, आप पाएंगे कि ये जो गुलामी की भाषा थी जिसको हमने आज तक जबरदस्ती ओढ़ के रखा, पूरी दुनिया में कोरोना फैला, कोरोना की पहली वैक्सीन कहां से आई है? रशिया से। रशिया की जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वहां पे शिक्षा की भाषा क्या है? रशियन है, वो अंग्रेजी में नहीं पढ़ते, क्योंकि जो मातृभाषा चिंतन का अवसर देती है वो दूसरी भाषा कभी नहीं दे सकता। परंतु एक बात मानना पड़ेगा, लाड मेघालय वाली जो सूक्ति है वो आज चरितार्थ हो रही है। लाड मेघालय ने कहा था ये भारतीय है, वेशभूषा से तो भारतीय होंगे परंतु मन और मस्तिष्क के पूरे विदेशी होंगे। ये पता नहीं कौन सा रोग हम लोगों को लग गया है कि हम लोग एक अंग्रेजी के बिना, एक पठन पाठन के बिना, उसके अध्यापन से अपने आप को इन समझते हैं। जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे काउंटर पे बात करते समय उस कंपनी के एडवाइस से हम लोग अंग्रेजी में बात करने का प्रयास करते हैं, उससे हम हिंदी में बात नहीं करते। हालांकि उल्टा होना चाहिए कि उसको कस्टमर की भाषा क्या है पहले ये पूछना चाहिए, उसके बाद उसको बात करनी चाहिए। इसके बाद भी वो अंग्रेजी में स्टार्ट करते हैं और हम भी उसका उत्तर अंग्रेजी में देना शुरू कर देते हैं। ये कहना कि मानसिकता बन गई है, इस मानसिकता का हम निवारण तभी कर सकते हैं जो हाईएस्ट लोग हैं, हाईएस्ट लोग चाहे आईपीएस हैं, चाहे आईएएस हैं, चाहे बड़े बड़े एक प्रबुद्ध वैज्ञानिक हैं, प्रबुद्ध बिजनेसमैन हैं, जब वो इस भाषा को प्रयोगात्मक भाषा नहीं बनाएंगे अंग्रेजी को, तब आम भारतीयों को प्रेरणा प्राप्त होती नहीं। वो व्यक्ति इसमें बोलता है, वो व्यक्ति इसमें बोलता है, तो जो बात कही गीता में यदि आचरी श्रेष्ठा, तो कहना कि ये प्रश्न तो है। खैर अस्तु, समय आपका बड़ा अच्छा लिया है और एक अच्छी चर्चा हुई है। मैं निवेदन करूंगा भूपेंद्र कुमार विद्यार्थी से कि अग्रिम कार्य को आगे बढ़ाएं। भूपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि जी का कि उन्होंने हमारे महानुभाव जन का प्रश्न का उत्तर सटीक एवं स्पष्ट रूप से दिया। अब मैं आदर आमंत्रित करना चाहता हूँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र, महामना फाउंडेशन के अध्यक्ष तथा राष्ट्र निर्माण संबंधी विभिन्न गतिविधियों में अपनी सहभागिता निभाने वाले श्री सुधांशु तिवारी जी से कि वे आए एवं आज के इस कार्यक्रम की संक्षिप्त रूप से समीक्षा अर्थात मीमांसा करें। श्री सुधांशु तिवारी जी धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगा कि महामना मालवीय फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष नहीं, एक महासचिव हूं और वर्तमान में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शोध छात्र हूं। सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य आराध्य प्रातः स्मरणीय परम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को प्रणाम करता हूं तथा स्वामी बिरजानंद जी को भी प्रणाम करते हुए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जो आप सभी ने मुझे इस योग्य समझा। मैंने शुरू ये पूरा कार्यक्रम शिक्षा नीति 2020 पर आधारित रहा, जिसमें सर बहुत ही अच्छी बातें बताएं, हरेक पहलू पर उन्होंने हरेक बिंदुओं पर चर्चा की और बहुत ही लाभदायक रहा उनका विश्लेषण इस विषय पर। उनकी कुछ बात कुछ बिंदुओं को मैंने भी अपने नोट किया, जिसमें जैसे जैसे सर्वप्रथम मैं डॉक्टर उदयन गुरु जी का कहना चाहूंगा जिन्होंने शुरू में ही कहा था कि शिक्षा में भारतीयता, वो शिक्षा में भारतीयता बहुत जरूरी है। इस समय अपने शिक्षा जगत में विदेशीकरण इतना हो गया है कि शुरू से ही कक्षा एक या फिर निम्न वर्ग से ही बच्चों के भीतर ऐसे
अंग्रेजीपन को थोप दिया जाता है या फिर उनको जबरदस्ती अंग्रेजी के चीजों को पढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाता है ताकि वो अंग्रेजी माध्यम से ही सब आगे बढ़ सके और अपने मातृभाषा से मातृभाषा को कम ही उसमें जोर दिया जाता है। और भारतवर्ष अपनी खोई समृद्धि को तब तक पुनः प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसमें देशीकरण ना हो। तो शुरू से ही बच्चों का विकास, जैसा कि सर ने बताया कि बाल्यावस्था में ही करीब 3 से 6 वर्ष की अवस्था में लगभग 85% हो जाता है। तो ये यही मौका होता है तक जो बच्चों में हम अच्छे से उसके रुचियों को पहचान सके और उस कहाँ किस तरफ किस रुचि के हिसाब से अपना कार्य करता है। जैसे बच्चों को हम रटंत विद्या इस समय चलता रहता है, बच्चों को रटाते हैं अंग्रेजी के माध्यम हमें अग्रसारित करते अग्रेसित करते रहते हैं कि बेटा ये पढ़ो वो पढ़ो, ताकि वो उसको मन में शुरू से ही रटंत विद्या पूरी भर दी जाती है। जबकि ये ऐसी अवस्था होती है कि बच्चे नए नए चीजों को सीखें, नए नए चीजों को प्रयोग करें। बच्चे आज शुरू में पढ़ने से या फिर रटने से जितना ज्यादा नहीं सीखते हैं वो उतना देख करके या फिर लोगों की दूसरों की क्रियाओं को देख करके समझते हैं। ये नई शिक्षा नीति में बहुत ही अच्छा रहा कि इस बार बच्चों में विविधता मतलब हर तरह की शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे मनोविज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे हर किसी क्षेत्र में। आज वर्तमान समय में ये है कि बच्चे अपना एक ही क्षेत्र में रह जाते हैं जिससे उनके भीतर अनेक जो गुण छिपे होते हैं या उनके जो जो रुचि होती है वो बाहर नहीं झलक पाती है और वे दब कर ही रह जाते हैं और आगे चलकर उनके विकास पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ये बात इसमें अपनी रुचि के अनुसार भी विषय चुनने के लिए आजादी है। जैसे सर ने कहा कि वर्तमान समय में यह है कि आप अगर किसी एक विषय से पढ़ाई शुरू करते हैं तो उसी विषय में आदमी रह जाता है और आगे चल के उसको बड़ी समस्या होती है। जैसा हमने भी बहुत अनुभव किया है अपने शिक्षा काल में, जैसे अगर हम विज्ञान के छात्र रहे हैं तो इतिहास नहीं पढ़ पाते हैं अथवा कला के क्षेत्र में नहीं जा पाते या फिर अन्य भी जो रुचियां होती हैं वो दब जाती हैं, जिससे हम अपना जो विशेष रुचि है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर भी बात सर बोले थे कि हर क्षेत्र में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं रहेंगे तब तक आप आगे उसमें हेलो आवाज आ रही है यार, नेटवर्क मेरा बाधित हो रहा है। आवाज आ रही, चिंता ना करिए, आप बोलते तो इसमें फिर जैसे कहते हैं कि अच्छे इंसान का विकास करना है तो तर्कसंगत विचार और कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। और इसमें बच्चों में कार्य करने की क्षमता तभी आएगी जब उसको उसके रुचि के हिसाब से ही उसको अन्य क्षेत्रों में जोड़ा जाए। जैसे शुरू से ही बच्चों में ध्यान दिया जाएगा कि वो किस क्षेत्र में जा रहा है, इस क्षेत्र में काम करने की रुचि है या फिर क्या पढ़ना चाहता है क्या नहीं, ये सब चीजों पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है। इसमें
आपको मुख्य बिंदु जिसमें से इसी आगे चल करके जैसे मुख्य बिंदु में मैंने यही नोट किया कि किसी कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो जैसे सभी के साथ ऐसी कोई ना कोई घटना होती है जैसे परिवार जी 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 गुरु जी हेलो गुरु जी आप कुछ कहें? आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आवाज बोलिए बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि समय का अभाव है, आप जल्दी एक दो पॉइंट में अपनी बात रखें तो अपना उसके बाद हम समाप्ति की ओर आगे बढ़े, क्योंकि मुख्य अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनको भी जाना है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि एक दो बात कह करके जो भी आज का है, वैसे हम पता लग गया सभी जान चुके हैं, ठीक है, फिर भी आप एक दो बातें अपनी रखें। पता चलता है कि ध्वनि में सम्यक न आगच्छति, बहुत सुधार हो, ध्वनि सम्यक न आगच्छति महोदय, स्वागत है, लागू हो गया जिससे हमारे समाज का और साथ में अपने वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। ओम ओम ओम। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ हमारे मुख्य अतिथि जी का कि आज वो आए उनसे, और इतना व्यस्त होने के बावजूद भी, और वो अभी तक अपने ऑफिस में ही बैठे हैं। मैं सभी छात्रों से कहना चाहता हूँ कि कर्तव्य प्रायणता का भाव क्या होता है ये हम सीख सकते हैं, क्योंकि जब आप शिक्षक हैं तो आपका समय 9 से 2 तक नहीं है या 9 से 1 तक आपका समय नहीं है, आपका समय असीमित है, और शिक्षक हमेशा राष्ट्र निर्माण में ही अपनी मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। तो आप लोगों को आज के जो मुख्य अतिथि हैं इनसे कम से कम ये बात सीखनी चाहिए कि हमारे कार्यक्रम के लिए इतने व्यस्त होने के बावजूद भी, जबकि कुर्सी कोई भी हो या तो फिर भी प्रिंसिपल है जो कांटों का ताज होता है, देखने में ऐसे लगता है कि फलाना फलाना ऐसा है, परंतु जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, जितना बड़ा पद होता है, जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए मैं सभी छात्र जो उपस्थित हुए हैं और अन्य जो गणमान्य व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय देकर के हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उन सब का अपने गुरुकुल की तरफ से, विशेषतः डॉक्टर उदयन आर्य जी की तरफ से, क्योंकि वही मुख्य शिरोधार होते हैं किसी भी कार्यक्रम को जब करना होता है तो उनकी अनुमति मेरे लिए आवश्यक होती है, और वो सहजता से हर बार जैसे भी जो भी कार्यक्रम को रूपरेखा देनी होती है या जो भी उसके स्वरूप का निर्माण होता है वो सहजतया इस स्वरूप के लिए अपनी अनुमति देते हैं, तो मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री नरेश कुमार जी को कि वो आए और शांति पाठ के साथ इस जो आज का कार्यक्रम है उसमें अपनी अंतिम आहुति दें। श्री नरेश कुमार जी ओम ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्तिरेधि शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ सर्वेषां धन्यवादः, पुनः एकवारं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अस्तु विरमामः सर्वे, अस्तु सर्वेशा मुखम एक बार, सर्वेशा मुखम एक बार, सर्वेशा सर्वेशा एक छात्र अद्य उपस्थित, बहव छात्र न उपस्थित, न जाने से किमर्थम केचन गतः मध्ये एतादृशः आसीत् आसन महाबूढ़ा केचन मध्ये गतवन्तः
सूरज कुमार जी क्या प्रश्न कर रहे हैं? ऊर्जा वर्चुअल क्वेश्चन धन्यवाद सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु विराम। सूरज आम आकाश अस्ति किम आकाश है। खेलते हैं। आकाश अस्ति किम अथ विराम अवसानम।